सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीव विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। टुडे इज़ द एपिसोड 2 ऑफ द नॉवल जलते ख्वाब बाय अना इलियास। सो लेट्स स्टार्ट इट। ब्लैक सूट पहने, बालों को जेल से सेट किए, शीशे में नाकदाना निगाहों से अपना जायजा ले रहा था। उसे इस दुनिया को मुतमइन करना था और शायद खुद को भी, कि इस फैसले से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद हाथों में बुके लिए वो हॉल में मौजूद था। उस लम्हे वो कामरान लगारी का मेहमान था जो उसकी शादी पर उसे मुबारकबाद देने आया था। उसके हॉल में दाखिल होते ही बहुत से कैमरों का रुख उसकी जानिब हो चुका था और बहुत से लोग भी उसे घेरे में ले चुके थे। कुछ उसके फैंस और बहुत से मीडिया के परिस्तार थे। सबसे मिलते मिलाते वो बेतासुर चेहरे और आंखों में अजनबियत लिए स्टेज की जानिब बढ़ा। उसकी नज़रें सिर्फ कामरान लगारी पर मरकूज थीं। सूट लहंगे में दुल्हनों का सा मखसूस रूप लिए मुस्कुराती हुई रुशना पर उसने एक गलत निगाह भी ना डाली, जो आंखों में हैरत समोए उसे वहाँ देख रही थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो यहाँ आज के दिन मौजूद होगा। बहुत मुबारक हो, वो कामरान से हाथ मिलाते खुशदिली से मुस्कुराते हुए बोला। बहुत शुक्रिया आप मेरे कहने पर यहाँ आए। न जाने क्यों उसके दिल में चंद दिन पहले उसकी और रुशना की तस्वीर और स्कैंडल देखकर जो एक कदूरत दिल में आई थी, वो उस लम्हे दूर हो गई थी। उनकी मुलाकात एक बार ही हुई थी, मगर सिर्फ इस खबर को पढ़ने के बाद उसने आज फरजाद हबीब को अपनी शादी में मधु किया था ताकि जान सके कि आया उनके बीच कुछ था या नहीं। वो कामरान के इस शक से भी वाकिफ हो चुका था। आखिर एक ही मुलाकात में उनमें कोई ऐसी दोस्ती नहीं बन गई थी जिसकी बिना पर वो उसे अपनी शादी पर बुलाता। वो जान गया था कि वो क्या देखना चाहता था और वो वही दिखाने वहाँ आया था। कैसी हो रुशना, बहुत बहुत मुबारक हो। कामरान लगारी को मुबारक देने के बाद उसका रुख अब रुशना की जानिब हुआ। मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद दी, जो गंग उसे देख रही थी बमुश्किल मुस्कुराई। तुमने तो शादी में बुलाया नहीं, वो तो भला हो कामरान का उन्होंने बुला लिया। बुके उसे थमाते वो इस कदर खुश अखलाकी से पेश आ रहा था जैसे उनके बीच दोस्ती के सिवा कुछ कभी था ही नहीं। सॉरी फरजाद, बस इतनी जल्दी सब हुआ कि यूनी के बहुत से दोस्त मिस हो गए। वो भी शायद खुद पर काबू पा चुकी थी। कामरान की जानिब एक नज़र की, जो बहुत गौर से उसके तासुरात देख रहा था। उसे खुद को संभालना पड़ा। अरे, शिकवा करने का मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। खैर, कोई गिफ्ट मैं ला नहीं सका तो प्लीज़ मेरी तरफ़ से ये रख लो। एक लिफाफा उन दोनों की जानिब बढ़ाया। अरे, इसकी क्या ज़रूरत थी, आप आ गए यही बहुत था। कामरान ने लेने से इनकार किया। शादी पे ऐसे तकल्लुफात नहीं करते, पकड़ो। हैव अ ब्लेस्ड लाइफ, उन्हें विश करते स्टेज से उतर गया। मुड़ते साथ ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट सेकंड्स में मफकूद हुई। भीड़ में अपने जज्बात पर काबू पाना किस कदर मुश्किल होता है, ये कोई उस लम्हे फरजाद हबीब से पूछता। कुछ देर वहाँ रुककर वो बिना कुछ खाए वहाँ से जा चुका था। उसका मकसद पूरा हो गया था। उसने अपनी मोहब्बत को चौक की जीनत बनने से बचा लिया था। वो अपने राजों को दुनिया से राज ही रखना चाहता था। वो रुशना को अपना साथ तो नहीं दे सका था, मगर अपने साथ जुड़े उसके रिश्ते को दर्दनाक बनाने से आज बचा लिया था। वो अपनी मोहब्बत के लिए इतना तो कर ही सकता था। उसने बड़े गौर से उसका मतूरम चेहरा देखा था। स्कूल यूनिफॉर्म पहने वो खामोशी से उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। हालांकि वो ऐसे खामोश रहने वाली नहीं थी, वो तो बड़ी शौक सी थी। हाँ, उसने अपने अलावा उसे बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं देखा था। शायद इसकी वजह ये थी कि उसने उसे स्पेस दी थी, तवज्जो दी थी और वो अपने असल रंग को उससे छुपा नहीं सकी थी। कैसी हो? गाड़ी स्टार्ट करते उसने गर्दन सामने की जानिब मोड़ते संजीदगी से सवाल किया। ठीक हूँ मम्मी, ठीक हैं? उसकी बात पर जवाद ने यकदम आँखें मीची। क्यों तुम्हें उस खुदगर्ज औरत की खुदगर्जी नज़र नहीं आती? वो गुलनाज से कभी चिड़ा नहीं था, बस उसे अपने बाप की बीवी की हैसियत देता था। मगर वो हैरान था कि वो कैसी माँ थी जिसने अपनी बेटी को जानते बूझते कुएं में धकेल दिया था।
उनका अंदाज़ मईशा के साथ इंतहाई लिया दिया था। कई बार उसे शक गुजरता कि आया ये उनकी बेटी है भी या नहीं। ऐसे तो मत कहें भाई, वो मजबूर हैं, अगर ऐसा ना करती तो शायद आपके डैडी और उनका रिलेशन ख़राब हो जाता। वो जवाद की रजामंदी से ही उसे भाई कहती थी और वो भी शायद उसे बहन का दर्जा दे चुका था। अपना भाई तो कभी उसे अपना लगा ना था, न जाने अल्लाह ने कहां से उसे बहन बनाकर उसकी महरूमी को पूरा करने के लिए भेज दिया था। तुम्हें कब अकल आएगी, वो गुस्से से भरा बैठा था। कुछ कहा तो नहीं जुनेद ने तुम्हें? वो बहुत खुलकर उससे उनके ताल्लुकात की बात नहीं कर सकता था, लिहाजा ढके छुपे अंदाज में पूछा। अव्वल तो उसे पता था कि उसे मियां बीवी के रिश्ते की नज़ाकत मालूम ही नहीं होगी, और उसका अंदाज़ा सही भी था। वो तो बहुत चीखते हैं, इतना गुस्सा करते हैं। कल रात का मंजर याद करते उसने झुरझुरी लेते उसे कल रात की सारी रुदात बताई। जवाद ने बे इख्तियार शुक्र किया कि जुनेद ने उस मासूम की मासूमियत नहीं छीनी थी। अच्छा किया उसने, उसे मुंह लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बल्कि कोशिश करना जब वो घर पे हो तो तुम अपने कमरे तक महदूद रहो, और अगर वो कुछ भी गलत करने की कोशिश करे मुझे कॉल कर देना। तुम समझ रही हो मेरी बात, उसने फिर हिचकिचाते कहा। वो ड्रग्स लेता है और शायद शराब भी पीता है, इससे ज़्यादा वो उस लड़की को उन सब बातों से अनजान नहीं रख सकता था। कल रात ही उसने सोच लिया था कि वो मईशा को जुनेद के बारे में सब सच सच बता देगा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से सोचे। जो भी था वो उसे बेहद अजीज हो चुकी थी। मईशा का तो ये सुनते ही मुंह हैरत से खुल चुका था। मुंह बंद करो, वो अपनी हैरत का इजहार हमेशा खुल कर करती थी और मुंह खोल कर करती थी। उसे सर्जनिश की, मईशा का मुंह फौरन बंद हो गया। मैं तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि अब तुम इतनी बच्ची नहीं, जानती हो ना कि ये सब करके इंसान अपने हवास ख़त्म कर देता है और फिर वो कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हें मारपीट भी सकता है और कुछ भी कर सकता है। उसे समझ ना आई वो कैसे खुलकर उससे ये बात करे, फिर भी उसे इतना अंदाज़ा था वो कुछ ना कुछ समझ ही जाएगी, और उसे फिट्स भी पड़ते हैं। तो ऐसा जब कभी हो तुमने मुझे फ़ौरन कॉल कर देनी है, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। चाहो तो पुलिस को कॉल कर देना। वो उसे पूरी तरह हर पहलू से आगाह कर रहा था। मईशा तो ये सब सुनकर शदीद सदमे में जा चुकी थी। मम्मी को मालूम था ये सब? उसे लगा मईशा की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आई हो। जवाद ने उसके सवाल पर लब बींचे। हाँ, वो जानती थी, इसीलिए तो मुझे हैरत थी कि डैडी के हुक्म पर उन्होंने तुम्हें बड़े आराम से पेश कर दिया। उसने सर झटका। खैर, तुम टेंशन मत लो, उन्हीं फ्लैट्स में मेरा दोस्त जेम है, मैं उससे भी कह दूंगा, वो पूरी तरह तुम्हारी खबरगिरी करेगा। मुझे उस पर वैसा ही भरोसा है जैसा मुझे अपने आप पर तुम्हारे लिए है। तुम मेरी बहन हो तो समझो जेम की भी बहनों जैसी ही हो। कभी कोई इशू हो मुझसे भी पहले तुम उसे बुला लेना या उसके पास चली जाना, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। जवाद ने उसे हर तरह से तसल्ली दिलाई। फिर उसका मोबाइल थाम कर उसने जेम का नंबर फीड किया। घबराना मत, मैं और जेम तुम्हारे साथ हैं। उसे स्कूल के सामने गाड़ी रोकते उसके सर को थपथपाकर उसे मज़ीद हौसला दिया, जो ये सब हकाइक सुनकर बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। उनका कंपटीशन तेज़ी से आखिरी इकसाद की जानिब जा रहा था। बहुत से कंटेस्टेंट्स निकल चुके थे। आज की परफॉर्मेंस में टॉप 5 ने रह जाना था। सभी परेशान थे क्योंकि आज की परफॉर्मेंस में लोगों की वोटिंग नहीं बल्कि जजिस के नंबर्स ने फैसला करना था कि कौन कौन टॉप 5 में जाने वाला है। आज 2 लोगों की एलिमिनेशन होनी थी। वो इस वक्त ब्रेक के 22 स्टेज से पीछे जा चुकी थी। उस वक्त उसे शिद्दत से सिगरेट की तलब थी। कल रात उसे फिर हिस्टेरिया का दौरा पड़ा था। कल रात बहुत अरसे बाद उसे फिर वही ख्वाब सताने लगे थे। वो सारी रात उसने जाग कर और रोते हुए गुजारी थी। न जाने क्यों उसे टॉप 5 में जाने की ख्वाहिश सी हो गई थी। वो जो अब तक इस शो को इतना सीरियस नहीं ले रही थी, अब हर गुजरती एपिसोड में इस प्रोग्राम में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। कैसी अजीब बात थी, कोई उसके माजी से वाकिफ नहीं था और इसीलिए बहुत से लोग उसे मोहब्बत दे रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार उसने लोगों की यूं मोहब्बत देखी थी। कल रात उसे जवाद बुरी तरह याद आया था। काश
काश कि वो उसके पास होता, काश वो उसे अपनी खुशी उससे शेयर करती। जेम बहुत अच्छा था, मगर वो जवाद नहीं था। जो मोहब्बत, जो मान जवाद ने उसे दिया था, वैसा शायद कोई नहीं हो सकता था। चंद आंसू उसके चेहरे पर फिर से नमूदार हुए। फरजाद वॉशरूम से निकल कर राहदारी की जानिब आया, जहाँ ब्लैक स्लीवलेस गाउन में खूबसूरत सा जूड़ा बांधे और हल्का सा मेकअप किए उसे मायशा उर्फ अशी नज़र आई। उसने अब तक पहली बार उसे किसी ढंग के हुलिये में देखा था। वह लड़की इतनी प्यारी थी कि उसे खुद उसका एहसास नहीं था, मगर उस लम्हे भी उसके हाथ में सिगरेट देखकर फरजाद के चेहरे पर नागवारी फैली। उसका रुख फरजाद की जानिब नहीं था, कुछ उसकी सोचें इतनी मुंतशिर थीं कि उसे अपने अकब में किसी की मौजूदगी मालूम ही ना हो सकी। फरजाद ने बेहद आहिस्ता से उसके करीब खड़े होते उसकी वो कलाई थाम कर ऊपर की, जिस हाथ की उंगलियों में सिगरेट दबा था। वो चौंक कर मुड़ी। हर बार उसके हाथ लगाने पर फरजाद ने उसकी नज़रों में वहशत देखी थी। उसे समझ नहीं आती थी इतनी लापरवाह और कॉन्फिडेंट सी लड़की यूं हाथ लगाने पर खौफजदा क्यों हो जाती है। इसको पीने में क्या मज़ा आता है? मायशा को समझ नहीं आई कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है। सुकून मिलता है। चंद पल खामोश रहने के बाद मायशा ने अपनी कलाई पर धरे उसके हाथ को देखकर कहा, अगर ये सुकून देने लगे तो पूरी दुनिया इस आसान सुकून को बड़े आराम से खरीद ले। उसकी उंगलियों में दबा सिगरेट निकाल कर नीचे फेंक कर जूते की नोक से मसला। उसने हैरत से फरजाद की ये जुर्रत देखी। हाउ डेयर यू, यकदम वो गुस्से से बिपरी। ऐसे उसके दूसरे हाथ में मौजूद सिगरेट की डब्बी थाम कर दूर फेंकी। सारी रात रोने से तुम्हारी आवाज़ पहले ही बैठ चुकी है, मजीद गले को ख़राब मत करो, मैं तुम्हें टॉप 5 में देखना चाहता हूँ। मज़े से उसके चेहरे पर छाए गुस्से के तासुरात को नज़रअंदाज करके मुस्कुरा कर उसे देखते, उसका हाथ थाम कर बैक स्टेज से निकलते स्टेज की जानिब बढ़ते उसका हाथ छोड़ा, जबकि वो उसकी बात पर दंग थी। उसे कैसे मालूम वो सारी रात रोती रही थी। जिस लम्हे वो अपने रूम से बाहर होटल के पूल के पास आई थी, वहाँ तो कोई नहीं था। वो कितनी ही देर हैरतज़दा रही। जी तो आज आप कौन सा गाना सुनाएंगी? आखिरी बारी उसकी थी। आज मैं रेशमा जी का ही एक गाना सुनाऊंगी। उसकी बात पर हॉल में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाईं। वाओ, यानी आज हम फिर से आपकी खूबसूरत आवाज़ में रेशमा जी को सुन सकेंगे। ज़बरदस्त। तो जनाब, देर किस बात की है? ये रहा आपका माइक। कंपेयरर ने माइक उसके हाथ में थमाया और स्टेज के पीछे चला गया। म्यूज़िक के साथ उसने सुर बिखराने शुरू किए। ट्राई करूं? अच्छा चलो सुनाती हूँ। वैसे मुझे ये गाना बहुत पहले सुना था और इसके सुर मुझसे हिले हुए, मुझे भूला हुआ है कैसे गाना, लेकिन चलो कोई नहीं, गप मार देते हैं, सुन के देखो। अखियां नु रहन दे, अखियां दे कोल को जान पर देसिया बोले पावे ना बोल। मैं गाने ऐसे ही गाती हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह उसकी दर्दनाक, ये तो वाकई दर्दनाक आवाज़ थी मेरी। हमेशा की तरह उसकी दर्दनाक आवाज़ ने एक समा बना दिया था। गाना ख़त्म होते ही जजेस गोया उस माहौल में बड़ी मुश्किल से वापस आए। कमाल, हमेशा की तरह अब जजेस अपना फ़ैसला कुछ ही देर में सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया अशी, आप अपनी सीट पर वापस जा सकती हैं। कंपेयरर ने जजेस की जानिब देखते सहूलत से उसे वापस भेजा। कुछ ही देर बाद जजेस का फैसला आ चुका था, जिसमें टॉप पर अशी का ही नाम था। सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी के थे। वो जो उस खौफ में मुब्तला थी कि आज वो सबसे बुरा परफॉर्म करेगी, न जाने फरजाद के साथ उलझने के बाद एक अजीब सा अज़्म पैदा हुआ था कि वो बिना अपनी तस्कीन ब्रैकेट सिगरेट के, जो फरजाद ने बड़ी बेदर्दी से मसल दी थी, फिर भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और वही हुआ था। मुबारक हो। शो ख़त्म होते ही टॉप 5 के कंटेस्टेंट्स को मुबारक दे दे वो उसकी जानिब आया। वो बस एक खफा सी नज़र उसे देखकर रह गई। उसकी मासूम सी हरकत पर वो मुस्कुराए बगैर ना रह सका। वो हैरान भी थी, इतना बड़ा म्यूजिशियन आखिर उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों रखता था। और अपनी यही उलझन उस रात उसने जेम्स से फ़ोन पर बात करते शेयर की। क्या वाकई उन्होंने तुम्हें खुद उन सब चीज़ों से
इनडायरेक्टली मना किया। जिम की आवाज़ में शदीद हैरत थी। हाँ यार, मुझे समझ नहीं आती आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। सबसे वो फ्रैंक हैं मगर मैंने कभी उनसे कोई फ्रैंकनेस शो ही नहीं की, तो वो किस हिसाब से मेरे गॉड फादर बने फिर रहे हैं। वो उस वक्त भी उससे शदीद खफा थी। अरे तुम खुशकिस्मत हो अगर फरजाद सर ने अपनी नज़र करम तुम पर की है, समझो तुम हीरा बन जाओगी। अब तक जिस जिस पर उनकी अनायत हुई है वो शख्स म्यूज़िक की दुनिया में राज कर रहा है, समझो वो वाकई तुम्हारे इस फील्ड में गॉड फादर हैं। ईशा और रमीज़ को जानती हो ना, टॉप के सिंगर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के अलावा, अब हॉलीवुड में भी उनकी डिमांड है। उसने उसकी मालूमात को खंगाला। हाँ उन्हें कौन नहीं जानता। वो उसकी बात पर उलझी, भला उसका उनसे क्या ताल्लुक, लड़की उन दोनों के पीछे सिर्फ फरजाद का हाथ है। वो हर किसी को मुंह नहीं लगाते मगर जिसका हाथ थाम लें फिर उसे कुछ बना कर ही दम लेते हैं, उसने मायशा की मालूमात में इजाफा किया। जिनके साथ कोई ना हो सिर्फ फरजाद ऐसे लोगों का हाथ थाम लेते हैं। रमीज़ और ईशा वो दो लोग हैं जिन्होंने किसी उस्ताद से कुछ नहीं सीखा मगर अपनी आवाज़ के अनोखेपन की वजह से वो लोगों को पसंद आ गए। दोनों में से किसी की फैमिली का कोई बंदा इस फील्ड में नहीं था। बहुत से लोगों ने उन्हें मिसयूज़ किया मगर जैसे ही सिर्फ फरजाद ने उनका हाथ थामा वो कहीं से कहीं पहुंच गए, लिहाजा तुम भी उनसे बना के रखो। जेम की मालूमात पर तो वो अश अश कर उठी। तुम जानते हो मुझे किसी के पीछे फिरना पसंद नहीं, वो मुँह बना के बोली। जवाद भाई से बात हुई तुम्हारी? कल रात से बस जवाद से मिलने को वो बेचैन थी। हाँ मेरी बात हुई है, इस वीकेंड पे वो आएगा और तुम्हारे लिए वो बहुत खुश है और मुझसे तुम्हारी ड्रग्स छूटने का भी पूछ रहा था। उसकी बात पर यकदम एक हाथ का लम्स कलाई पर जागा। तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे, मैं कोशिश कर रही हूँ छोड़ दूँगी, वो उसे टालने वाले अंदाज में बोली। तुम कोशिश ही तो नहीं कर रही हो, उसकी बात पर लम्हा भर को वो शर्मिंदा हुई। अच्छा प्लीज़ तुम भाई को कुछ मत बताना, तुम तो जानते हो ना मैं कैसे वो सब भूल जाऊं, वो जेम की मिन्नत करने लगी। अच्छा लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कोशिश शुरू करोगी, वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। हाँ मैं कोशिश करूँगी, वो अभी भी उसे टाल रही थी। उस रात वो देर तक पढ़ने बैठी थी, अगले दिन उसके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे। पिछले दिनों में वो जितनी अजियत का शिकार रही थी उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। फिर जवाद के समझाने पर उसने अपनी तवज्जो फिर से पढ़ाई की जानिब मबजूल की। उसे कुछ बनना था ताकि वो जुनेद के रहमो करम पर ही ना रहे। पहले दिन के बाद से वो जुनेद के सामने भी नहीं जाती थी, दोनों का खाना पीना सब अलग था। वो ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ाती थी जिससे वो अपना कमाने के काबिल हो चुकी थी। ये राह भी जवाद ने ही उसे दिखाई थी। वो नहीं चाहता था कि वो बाहर की दुनिया में अभी निकले, इसीलिए फ़िलहाल उसके लिए बेहतर ऑप्शन कमाने की यही थी। वो अपना ख़र्चा अब खुद उठाती थी, हाँ फीस के पैसे अभी भी उसकी माँ अदा कर देती थी। उनका ये एहसान भी उसके लिए बहुत था, मज़ीद पैसे वो उनसे नहीं लेती थी। 12 बज चुके थे, अब तक फ्लैट में खामोशी थी जिसका मतलब था जुनेद नहीं आया था। कभी कभी 9 बजे वो वापस आ जाता था। बाहर की खटपट से उसे अंदाज़ा हो जाता था कि वो बाहर कहीं मौजूद है मगर वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती थी, ना ही कभी जुनेद ने उसके कमरे में आने की जहमत की थी। उस समय बाहर खटके की आवाज़ पर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो आ चुका है मगर उसके साथ कोई नस्वानी आवाज़ भी उसे सुनाई दी थी। मायशा हैरान सी हुई, जल्दी से अपने कमरे की लाइट बंद करके दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर उसकी झुरी में से झांका था, जहाँ जुनेद और कोई अंग्रेज़ लड़की नशे में झूमते झामते लाउंज के सोफों पर बेहद काबिल एतराज़ हालत में मौजूद थे। मायशा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। एक सेकंड में भी उसने उन्हें जिस हालत में देखा था उसका रंग फक कर गया था। उसका दिल यकदम शदीद ख़राब हुआ, दिल की धड़कनें शदीद तेज़ हुईं, उसे यकदम उन दोनों से घिन महसूस हुई। उसे अब समझ आई कि जवाद ने उसे जुनेद की मौजूदगी में कमरे से बाहर निकलने से क्यों मना किया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। यकदम उसे अपने दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। मायशा ने तेज़ी से लॉक लगाया, शुक्र था कि उस दरवाजे पर चटकनी भी थी, उसने वो भी लगा दी। बाहर जुनेद मुगलीजाद बक रहा था। मायशा ने खौफ से रोते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो उसे भी बाहर आकर वो सब करने का कह रहा था। मायशा के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी।
यकदम कुछ याद आने पर उसने तेजी से जवाद का नंबर डायल किया। चंद बेलों के बाद उसकी नींद में डूबी हेलो मायशा को सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनते ही मायशा की सिसकी निकल गई। मायश क्या हुआ है बच्चे, क्या बात है, ठीक हो तुम? उसकी सिसकारी पर जवाद की नींद भग से उड़ी। वो जुनेद किसी लड़की के साथ यहाँ मौजूद हैं और वो मुझे भी वो करने के लिए ज़बरदस्ती बाहर बुला रहा है, मुझे डर लग रहा है। रोते रोते कपकपाते उसने ढके छुपे अल्फाज में उसे अपने पर गुजरने वाली कयामत के बारे में बताया। तुमने हरगिज बाहर नहीं निकलना, मैं आ रहा हूँ, उसे हदायत करते उसने फौरन फ़ोन बंद किया। वो फ़ोन सीने से लगाए रोते थर थर कांप रही थी। कुछ ही देर बाद उसे बाहर जवाद की आवाज़ सुनाई दी। उसे यक गुना सुकून मिला। वो ऊंची ऊंची जुनेद से लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद खामोशी हो गई। अगले चंद सेकंड्स में उसे फिर से अपने दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। माइश मैं हूँ जवाद, दरवाज़ा खोलो मेरी जान, मोहब्बत में गुंधा जवाद का लहजा मायशा के खौफ को लम्हा भर में ख़त्म कर गया। तेज़ी से दरवाजे का लॉक खोलते और चटकनी गिरा के दरवाज़ा खोलते वो रोते हुए जवाद के साथ लग गई। बस बस मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा अब, उसे कमरे के अंदर लाते दरवाज़ा अपने पीछे बंद किया। भाई मैं बहुत डर गई थी, वो अभी भी खौफ सदा थी। डरने की कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया मुझे फ़ोन कर दिया। दिमाग ठिकाने लगा दिया है उसका, अपने कमरे में है। उसका चेहरा थामते मोहब्बत से उसके चेहरे से आंसू साफ किए। मेरे होते वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, उसे तसल्ली दिलाई। मायशा ने थूक निगलते सर हिलाया। कल पेपर है तुम्हारा, उसका ध्यान हटाया। उसने फिर से असबात में सर हिलाया। सिसकियाँ अब कम हो गई थी, आंसू भी थम गए थे। अब टेंशन फ्री होकर आराम से तैयारी करो, उसका सर थपथपाते वो वहाँ से उठा। आप जा रहे हैं? एकदम घबरा कर उसने जवाद का हाथ थामा। परेशान मत हो, मैं जैम के फ्लैट में जा रहा हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, यहाँ नहीं रुक सकता वरना तुम्हें यहाँ ना छोड़ता और तुम्हें साथ भी नहीं ले जा सकता, मगर तुम्हारे करीब ही हूँ। उसकी बात पर मायशा के चेहरे की वहशत कम हुई। ठीक है, सुबह यहीं से तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, मेरा कल ऑफ है, वापसी पर भी मैं ही तुम्हें पिक करूंगा। अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर बाकी की तैयारी करना। बातें करने के साथ साथ उसने एक गोली निकालकर उसे पानी के साथ पीने को दी। वो यकीनन सुकून आवर गोली थी। उसका मोबाइल थाम कर सुबह 6 बजे का अलार्म लगा कर उसकी साइड टेबल पर रखते उसे लॉक लगाने की हदायत करता वो जा चुका था। वो अभी अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था जब उसे सामने से अर्पिता भागती हुई नज़र आई। क्या बात है, उसने हैरत से बदहवास सी अर्पिता को देखा। सर वो हक लाई, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या बात है, क्या हुआ है? उन सब कंटेस्टेंट्स और जजिस के रूम एक ही कॉरिडोर में आमने सामने मौजूद थे। सर वो मायशा को पता नहीं क्या हो गया है, वो एकदम नींद से उठकर खुद को नोच रही है, ऊंची ऊंची रो रही है। जब मैंने उसे झंझोड़ा तो मुझे अजनबी नज़रों से देखने लगी, वो मुझे पहचान नहीं पा रही। अर्पिता और उसका रूम एक ही था। वो तेज़ी से उसे एक जानिब करते उनके रूम की जानिब बढ़ा जहां वो अपने बैग्स को फैलाए कुछ ढूंढ रही थी। दरवाज़ा बंद करें, अर्पिता को हुक्म देते वो मायशा के करीब बैठा जो उसे देख कर अजनबी नज़रों से देख रही थी। वो उस वक्त उसे अपने हवासों में नहीं लगी। नाइट सूट पर बिखरे बाल लिए वो उसे उस लम्हे बहुत उजाड़ सी लगी। क्या बात है मायशा, क्या हुआ है? उसके करीब बैठते उसने नर्म लहजे में उसे पुकारते उसके कंधे पर हाथ रखा जिसे उसने बेदर्दी से हटाया और उसी वहशत भरी निगाहों से उसे देखते पीछे हुई। हाथ मत लगाना मुझे, हकलाते हुए बमुश्किल जुमला मुकम्मल किया। आँखों में यकदम आंसू सिमट आए। अर्पिता पास खड़ी उन दोनों को देख रही थी मगर उसकी हिम्मत न हुई कि मायशा की इस मदहोश हालत में उसके करीब जाती, उसे वो कोई पागल लगी। नहीं मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा, मुझे बताओ तुम क्या ढूंढ रही हो, वो फिर से उसी नरमी से उससे मुखातिब हुआ। सुकून, एक लफ्ज़ कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। वो वाकई उस पल नॉर्मल नहीं थी। फरजाद ने गहरी सांस खींची, उसकी नज़र उसके बैग में मौजूद सिरिंज की जानिब गई। यकीनन वो ड्रग्स की बात कर रही थी। उठो और चल कर सो जाओ, सुकून मिल जाएगा, वो उसे पुचकारते हुए बोला। जो चेहरा घुट्टों में दिए रोने में मसरूफ थी वो भी उसके करीब दो जानों बैठा था। नहीं है सुकून कहीं भी, और बस इसमें सुकून है,
उसने रोते रोते सर उठाया। इसे उठाओ, अर्पिता को उसने इशारा किया, लेकिन सर वो उसके करीब आने से हिचकिचाई। एक गहरा सांस लेते वो ज़बरदस्ती उसका बाजू थामे उसे नीचे से उठाने लगा। नहीं है सुकून, कहीं और, मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना, वो उसका बाजू झटकते चिल्ला रही थी। वो खामोशी से उसे थामे बेड तक लाया, फिर अपनी पॉकेट से नींद की गोलियां निकाली। अक्सर वो खुद भी इस्तेमाल करता था, ये तो शुक्र था कि उस लम्हे उसकी जेब में नींद की गोलियों की शीशी मौजूद थी। ये लो, इसमें सुकून है, उसे झंझोड़ कर सीधा करते उसने दो गोलियां उसकी हथेली पर रखी। सच कह रहे हो? गोलियां देखते उसका रोना यकदम थमा था। हाँ, ये वही सुकून है जो तुम ढूंढ रही हो, उसे यकीन दहानी करवाई उसने अब की बार खामोशी से वो गोलियां खा ली। पानी भी चुपचाप ले लिया। फरसाद ने शुक्र अदा किया, लेट जाओ, अभी सुकून मिल जाएगा। बेशक, सो मत, बस लेट जाओ, वो उसे कहता कंफर्टर उस पर दुरुस्त करने लगा। सुकून मिल जाएगा ना, वो फिर से उससे यकीन चाह रही थी। फरसाद ने असबात में सर हिलाया। उसके सोते ही वो अर्पिता की जानिब बढ़ा। यहाँ इस वक्त जो कुछ हुआ तुम किसी को नहीं बताओगी, मैं कल तुम्हारा रूम चेंज करवा दूंगा, मगर याद रखना, आज तुम किसी का राज खोलोगी, कल को किस्मत तुम्हारे बहुत से राजों से पर्दा उठाएगी। उसे समझाते और तसल्ली देते वो कमरे से चला गया, मगर बहुत कुछ सोच रहा था। उसने अर्पिता के सामने मायशा के ख्वाब के बारे में एक बात भी नहीं की, ना उसकी ड्रग्स का जिक्र किया। वो नहीं चाहता था कि मायशा की ज़रा सी भी कोई माजी की कमज़ोरी उसके सामने खुले, जिसे कल को वो उसके खिलाफ इस्तेमाल करे। ये फील्ड ऐसी ही है, हर कोई हमा वक्त दूसरों की कमज़ोरियाँ ढूंढ कर टांग खींचने को तैयार रहता है। उसे यकीन नहीं था कि अर्पिता किसी को बताएगी नहीं। उस रात के बाद कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। इतवार का दिन था, हर इतवार जवाद सुबह ही सुबह उसे आकर ले जाता था और फिर रात तक वो उसके साथ ही होती थी। मगर उस इतवार को जवाद अपनी यूनिवर्सिटी के साथ किसी फील्ड ट्रिप पर जा रहा था। मायशा को वो कह गया था कि वो उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ ना रहे, बल्कि घर चली जाए, और कोई नहीं, कम अज़ कम वहाँ उसकी माँ और जवाद का बाप तो होगा, वहाँ वो सिक्योर होगी। कपड़े चेंज करके अपना स्कूल बैग उठाया कि घर जाकर वो कुछ देर पढ़ लेगी। दरवाज़ा खोल कर जिस लम्हे वो बाहर निकली, जुनेद लाउंज में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। मायशा के दरवाज़े का लॉक खुलते देख कर उसने गर्दन मोड़ कर उसके दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ से वो ब्लैक जीन्स पर शॉर्ट शर्ट और लॉन्ग कोट पहने सर को स्कार्फ से ढके बैग हैंग किए निकल रही थी। मायशा ने बस एक नज़र उसे देखकर नज़र मोड़ ली, जबकि उसकी नज़रें उस पर से नहीं हटी। उसे गुमान नहीं हुआ था कि वो बच्ची अब बच्ची नहीं बल्कि बड़ी हो रही है। न जाने कैसे हवस उसकी नज़रों में समाई, हालांकि वो उसे किसी खातिर में नहीं लाता था, मगर शायद ये गलत कंपनी का या उन हराम चीज़ों का असर था कि वो अपनी ही बीवी को गलत नज़र से देख रहा था। सुनो, वो जो पहले ही उसके करीब से सहमी हुई गुजर रही थी उसके पुकारने पर उछल ही पड़ी। इतना डरती क्यों हो मुझसे? वो उठकर उसके करीब आया। मायशा ने थूक निकलकर चोर नज़रों से उसकी जानिब देखा, जो नर्म लहजा अपनाए उसके करीब खड़ा था। शौहर हूँ तुम्हारा, हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा। मायशा झिझक कर पीछे हटी, कहाँ जा रही हो? उसके कंधे से हाथ झटकने पर पहले तो तिल मिलाया, फिर खुद पर काबू पाते दोबारा से उसी नर्म लहजे में उससे सवाल किया। घर, उसे टलते ना देखकर मायशा को जवाब देना पड़ा। घर तो तुम्हारा ये है। अब के उसका हाथ उसकी थोड़ी के करीब आया। मायशा तेज़ी से पीछे हटते नागवारी से उसे देख कर रह गई। मम्मी के पास जा रही हूँ, लहजे को मतवाजन करते उसे नागवारी से जवाब देकर तेज़ी से मुड़कर भागने के से अंदाज में फ्लैट से बाहर निकली। चेहरे पर पसीना आ चुका था, वो शदीद घबराहट का शिकार थी। डरते डरते पीछे मुड़ कर देखा कि कहीं वो उसके पीछे तो नहीं आया, मगर दरवाज़ा हनूज बंद था। अभी वो मुड़ भी नहीं पाई थी कि किसी से बुरी तरह टकराई। देखकर सामने वाले ने उसे कंधों से थाम कर गिरने से बचाया। वो खुद भी मोबाइल में मसरूफ़ सीढ़ियाँ चढ़कर कॉरिडोर से गुजरकर अपने फ्लैट में जा रहा था कि फ्लैट से ज़रा फासले पर वो किसी लड़की से बुरी तरह टकराया। उसे संभाल कर सीधा किया, उसे वो खासी कम उम्र और एशियन शक्ल लगी।
सॉरी सॉरी, वो यकदम संभलती, माथे पर हाथ मार कर उससे माजरत करने लगी। इट्स ओके, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? उसके चेहरे से शदीद घबराहट टपक रही थी। नहीं वो बस, मैं उससे बात नहीं बन सकी, किसी से मिलने आई हैं। उसकी घबराहट पर वो शदीद चौंका था, ये सोचकर कि कहीं कोई लड़का उसके पीछे ना पड़ा हो। नहीं नहीं, मैं यहीं ये सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ, कहीं जा रही थी, तेज़ी से निकलते पीछे देख रही थी, इसीलिए आपसे टकरा गई, उसने फौरन वजाहत की। ओह नाइस, मैं भी इस फ्लैट में रहता हूँ, उसने इशारे से अपने फ्लैट की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई। ओह नेबर्स, मायशा ने होले से मुस्कुराते हुए कहा। एशिया से हो? उसे छोटी जानकर उसने बेतकल्लुफी से कहा। जी पाकिस्तान से आई हूँ। मायशा को भी वो अंग्रेज़ नहीं लगा। हाँ हाँ ग्रेट, मैं दुबई से आया हूँ। वो शायद काफ़ी बातूनी लड़का था, मायशा को ऐसा ही लगा। ओ अच्छा, मायशा ने सर हिलाया। पेरेंट्स के पास हो? न जाने वो क्यों उसका इंटरव्यू कर रहा था, शायद उसके दिमाग में मायशा की हालत से कुछ गलत ख्याल आया था। अपनी तसल्ली के लिए पूछा। नहीं, मायशा ने नज़र चुराते कहा, तो फिर यहाँ किसके पास रहती हो? उसे लगा उसका शक यकीन में बदल रहा है। मेरे हस्बैंड होते हैं, मायशा के जवाब पर वो हैरत से उसे देखने लगा। क्या एज है तुम्हारी? 15। वॉट? उसके जवाब पर वो हैरान ना होता तो क्या करता। अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग इतनी छोटी शादी के हक में होते हैं। आई हैव टू गो, मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। इससे पहले कि वो कोई और सवाल करता, मायशा तेज़ी से कहती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी, जबकि वो कितनी ही देर उस ज्यादती पर गौर करता हैरत से वहीं खड़ा रहा। हेलो, आज 2 साल बाद उसने जवाद की आवाज़ सुनी थी। वो कितने ही लम्हे खामोश आंसू बहाती इस बात पर यकीन करती रही कि जवाद ने उसे फ़ोन किया है, वरना जो गलती उसने की थी उसके बाद वो सही उससे हर रابطہ ख़त्म करके उसे सज़ा दे रहा था। आर यू देयर माइश? उसकी मुसलसल खामोशी पर वो मज़ीद गोया हुआ। जी भाई, आई एम हेयर, आंसू पूछती नम आवाज़ में बोली। जवाद बहुत अच्छे से उसकी आवाज़ में घुली नमी को महसूस कर सकता था। कैसी हो? उसे कुछ समझ न आई कैसे बात शुरू करें। ठीक हूँ, आप कब आ रहे हैं? वो बेसब्री से बोली। मेरी सीट आज की कन्फर्म थी, लेकिन कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं आज नहीं आ सकूँगा, इसीलिए सोचा तुमसे बात कर लूँ, जानता हूँ तुम बहुत शिद्दत से मुंतज़िर होगी। होपफुली कल या परसों मैं तुम्हारे पास होऊंगा। उसकी बात पर वो शदीद मायूस हुई। झूठ बोल रहे हैं आप, अब कोई मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, आपने अब तक मेरी गलती को माफ़ नहीं किया, आप अब भी मुझे सजा दे रहे हैं। वो फिर से पैनिक हुई। माइश ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो मैं कभी भी 2 साल बाद तुमसे आज अभी और इस वक्त बात ना कर रहा होता। वो उसकी बात टोक कर बोला। जेम है ना तुम्हारे पास? उसकी बात पर उसे शिद्दत से रोना आया। मगर वो आप तो नहीं हैं, बताएं कितनी बार माफ़ी मांगू अपनी गलती की, जबकि आप जानते हैं वो सब मैंने किस हालत में किया था। वो रोते एक बार फिर उसे अपनी सफाई दे रही थी। तुम अपनी गलती पर नादिम हो, मेरे लिए यही बहुत है, मगर जो कुछ तुम मेरी नाराज़गी के चक्कर में कर रही हो, जैसे खुद को तकलीफ दे रही हो, क्या वो सब मुझसे ढका छुपा है? उसके बाद पर मायशा की निगाह सामने टेबल पर रखे सिगरेट की जानिब गई। मेरे लिए अब उसे छोड़ना मुमकिन नहीं, वो नज़र चुरा कर बोली, ऐसे जैसे वो सामने हो। मायशा, नामुमकिन कुछ नहीं होता, हाँ मुश्किल ज़रूर होता है। मुझे बहुत अफसोस है तुम इतनी अच्छी लड़की से खुद को बुरी लड़की साबित करवाने पर तुली हो। वो आज फिर उसे वही सब नसीहतें कर रहा था। मैं अच्छी लड़की नहीं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। वो फिर से जारों की तार रोती रही, जैसे वो सब अभी उसके साथ हुआ हो, जैसे अभी अभी जवाद ने उसे रंगे हाथों पकड़ा हो। तुम कब तक खुद को माजी के उसी वाक्य में कैद रखोगी? जिंदगी बढ़ते रहने का नाम है, जो रुक गया वो जमूद के गर्दाब में फंस जाता है, और ऐसे लोग सिर्फ खुद अज़ियती की ज़िंदगी गुजार देते हैं। आगे बढ़ना सीखो, गलतियों को फ़कत पछतावा मत बनाओ, उन्हें ज़िंदगी का सबक समझो जो तुमने सीख लिया, अब आइंदा नहीं दोहराओगी। वो उसकी हर गलती भुलाए फिर से वैसा ही उसका भाई बना उसे समझा रहा था। शुक्र के लम्हे ढूंढो, ये तो तुम कर ही सकती हो। उसके बाद पर वो सहलाने लगी।
कोशिश करूंगी। आंसू साफ करते वो बमुश्किल बोल पाई। वो सारी रात उसने फिर से रोते गुजारी, लेकिन इस बार अपने कमरे से बाहर निकलने की गलती नहीं की। क्या पता फिर से सरफरजाद की नज़र में आ जाती। वो अपने आप को किसी पर खोलना नहीं चाहती थी और वो बंदा शायद ज़िरक निगाह था। सुनो, वो इस वक्त रिहर्सल कर रही थी। शाम में उसकी नई एपिसोड रिकॉर्ड होनी थी जब अर्पिता ने उसे पुकारा। वो गाना रोक कर उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगी। तुम्हारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? उसकी बात पर वह लम्हा भर को चिटकी। नहीं, क्यों? सहूलत से उसे इनकार किया। दो तीन दिन पहले रात को तुम हिस्टेरिकल हुई थी और कल रात भी तुम रोती रहीं। अगर कोई इशू है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, वो दोस्ताना लहजे में बोली। मायशा के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला। उस रात तो सरफरजाद ने न जाने कैसे तुम्हें काबू किया। मुझसे तो तुम्हारी बदहवासी देखकर अपनी जान निकली जा रही थी। उसकी अगली बात पर वो बुरी तरह चौंकी। सरफरजाद? उसके मुंह से फकत इतना ही निकला। हाँ ना, तुम अजीब पागलों की तरह खुद को नोच रही थी। मैं तो कमरे से भागी किसी को बुलाने के लिए। सरफरजाद ने मुझे देखा, उन्हें तुम्हारी हालत बताई, वो भी परेशानी से मेरे पीछे आए। पता नहीं तुम अपने बैग से क्या ढूंढ रही थी। सर ने ही तुम्हें समझा बुझा कर नींद की गोलियां देकर सुलाया। मायशा को उस रात की एक भी बात याद नहीं थी, तो क्या उसे यहाँ आकर भी दौरा पड़ा था? उसे याद आया था उस रात उसने फिर से वही ख्वाब, वही शक्लें देखी थी जिनसे वो पीछा छुड़ाने के लिए ही नशे की आदत में पड़ी थी। ये गंदी आदत भी उसे जुनेद के बाईस ही लगी थी। उसने सख्ती से आंखें मीची। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? उसकी शक्ल देखकर वो खुद से अखज़ करते हुए बोली। मायशा के पास कोई जवाब नहीं था। क्या तुम्हें अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं? वो खोजती नज़रों से उसे देख रही थी। नहीं, और किसी के पर्सनल में घुसने से पहले देख लेना चाहिए कि अगला बंदा इस बात को पसंद करता है या नापसंद। एक्सक्यूज मी, वो इंतहाई रूड लहजे में बोलते हुए उसके सामने से हटी। उसके अंदाज पर अर्पिता ने नखुवत से सर झटका। अभी से खुद को स्टार समझने लगी है? जजिस तारीफ क्या कर देते हैं जनाब, तो सर पर ही चढ़ गई हैं, साइको कहीं की। माइका की बात पर वो शदीद दिल मिलाई। न जाने कब और कैसे उसे फरजाद के सामने अपने इमेज की फिक्र हुई। न जाने उसने क्या कुछ कह दिया होगा, न जाने वो क्या समझा होगा। वो अपनी मखदोश हालत के बारे में अर्पिता से मज़ीद कोई बात नहीं पूछना चाहती थी। जब जब उसे दौरे पड़ते थे वो इसी कदर बदहवास हो जाती थी कि उसे अपने इर्द गिर्द का कोई होश नहीं रहता था। ये तो जेम था जो अब तक उसे बर्दाश्त कर रहा था। जेम ने बहुत कोशिश की कि वो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाए, मगर उसकी शर्त यही थी कि जवाद उससे मिले। वो कहे तो वो ज़रूर जाएगी, मगर जवाद कुछ अरसे के लिए उससे मिलना नहीं चाहता था। और ये अजियत सब अजियतों से बढ़कर थी कि जिस शख्स ने उसे इतना मान दिया था उसने वो मान बड़ी बुरी तरह तोड़ा था। वो तमाम वक्त इंतज़ार में भी रही कि शायद फरजाद आकर उससे उसकी हालत की बाबत पूछे, लेकिन उसका इंतज़ार इंतज़ार ही रहा। दिल में पनपते शक की खातिर वो उसके पास तक चली गई। वो जो किसी की परवाह नहीं करती थी कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। न जाने क्यों उसे फरजाद का सब जान लेना और अपना इमेज उसकी नज़र में इतना बुरा आना खुल रहा था। सर फरजाद कहाँ है? सामने से गुजरते शो पर काम करने वाले एक लड़के को रोक कर पूछा। सर अपने ऑफिस में है। वहीं उन तीनों जजिस के ऑफिसेज बनाए गए थे जहाँ वो रोज़ाना मौजूद थे और अपने ग्रुप कंटेस्टेंट्स की तैयारी करवाते। वो कुछ सोच कर उसके ऑफिस की जानिब बढ़ने लगी जब फिर से उस लड़के को आवाज़ देकर रोका। सर के पास कोई है? लड़के ने हैरान होकर उसकी घबराहट को देखा। वो सब जानते थे कि वो किसी से बात नहीं करती। नहीं, अभी तो सर अकेले हैं। उसकी बात पर वो सर हिलाकर उसके ऑफिस की जानिब बढ़ी, दरवाजे पर नॉक किया। उसकी गंभीर आवाज़ में कम इन कहने पर वो अंदर दाखिल हुई। ब्लैक ढीले से ट्राउज़र और डार्क ब्राउन हुडी के नीचे ब्लैक ही हाई नेक में मौजूद मायशा को वो अपने ऑफिस में देखकर हैरान हुआ। वो कभी किसी जज के पास खुद से नहीं जाती थी। जानिता और बाकी सब भी उसकी इस आदत को जानते थे।
इसीलिए जानिता भी खुद से उसके पास जाकर उसे हर गाने की प्रैक्टिस करवाती थी। वो उसकी इस आदत को उसकी रिजर्व नेचर से मशरूत करते थे, मगर फरजाद पर यह अब खुला था कि वो खुद को छुपाने के लिए खुद पर रिजर्व नेचर का बोझ लगाए फिरती थी। आ जाए मायशा, उसे हनूज दरवाजे में खड़ा देख कर आखिर उसे कहना पड़ा। हमेशा की तरह इस वक्त भी उसके बाल पोनी टेल में कैद थे, मगर फ्लिक्स को पिंस लगाकर माथे से हटाया हुआ था। चेहरा किसी भी मेकअप से उस लम्हे पाक था, वो नहायत अच्छे नकूश रखती थी। मायशा ने एक नज़र उठाकर टेबल के उस जानी बैठे फरजाद की तरफ देखा, जिसकी एशियन ब्यूटी, सांवला रंग, तीखे नकूश और ख़ास कर अंदर को धंसी गहरी निगाहें, जो वो बहुत कम पूरी खोलता था। माथे पर हल्की सी सिलबटें लिए जब वो मुकाबिल को देखता, लम्हा भर के लिए दिल डूब कर ज़रूर उभरता था। वो मायशा से लगभग 15-16 साल बड़ा था। डेल डोल वाला फरजाद उस लम्हे ब्लू जीन्स पर लेदर की जैकेट और ब्लू ही हाई नेक पहने हुए था। मायशा झिझकते हुए टेबल के पास आई। बैठ जाए, हाथ के इशारे से उसे टेबल के दूसरी जानिब बैठने का कहा। सर, मुझसे एक नॉट नहीं लग रहा, आप मेरी मदद करेंगे? सर उठाकर सादा से लहजे में भी उसने फरजाद को बेहद हैरान किया। जानिता कहाँ है? उसके सवाल को नज़रअंदाज करके उसने जानिता का पूछा। मुझे आप ही से सीखना है, उसके बजिद लहजे पर वो लम्हा भर को खामोश हुआ। कल तक उसे किसी खातिर में ना लाने वाली आज यकदम उसकी मदद के लिए क्यों तड़प रही थी? अर्पिता से कोई बात हुई है आपकी? वो बंदे के अंदर तक उसे पढ़ने के फ़न में माहिर था, वो तो फिर कल की बच्ची थी उसके आगे। आप मुझे सिखाना नहीं चाहते? वो भी इतनी आसानी से असल वजह पर उसे आने नहीं दे रही थी। जैसे वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहा था, वो भी हनूज नज़रअंदाज कर रही थी। उसकी बात पर वो लम्हा भर के लिए मुस्कुराया। आ जाओ। अपनी सीट से उठते उसे सामने मौजूद सोफ़ों पर बैठने का इशारा किया, साथ ही अपना कीबोर्ड लेकर सामने टेबल पर रखा। कौन सा गाना गाना है? कीबोर्ड पर यूं ही उंगलियों से धुन छेड़ते उससे सवाल किया। आपका बनाया गाना गाना है, उसकी बात पर वो फिर से मुस्कुराया। होंठ भींच कर अपनी मुस्कुराहट रुकी। इतनी अनायत क्यों? यकदम उसकी जानिब थोड़ा सा झुकते गंभीर लहजे में पूछा। आपकी धुनें बहुत अच्छी होती हैं, दर्द समझती हैं, तकलीफ पर मरहम रखती हैं, आंसुओं को बहने के लिए रास्ता हमवार करती हैं। उसके बेजरर से सवाल पर उसे हरगिज़ इतने गहरे जवाब की उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ था उस लड़की के साथ कि वो इतनी सी उम्र में इतनी गहरी बातें करती थी? इतने मसाइल से दो चार थी, क्या कोई था उसके पीछे, या वो इस दुनिया में तन्हा थी? जिनके पीछे दुआएं करने वाले, दुख समेटने वाले हों, वो ऐसे दुखों का प्रचार नहीं करते। तुम्हें अच्छी लगती हैं? वो उसके मासूम चेहरे को नज़रों की गिरफ्त में लेकर बोला। दिल के करीब लगती हैं, वो नज़रें झुकाकर हाथों को मसलते हुए बोली। फरजाद ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया, उसे गाने का कहते नोट समझाने लगा, और शायद दुखों ने उन्हें ऐसे ही करीब करने के लिए रास्ता बना दिया था। जवाद की पढ़ाई दिन ब दिन टफ होती जा रही थी। मायशा अब अपने बहुत से काम खुद करने लगी थी। उस दिन भी वो ग्रॉसरी करके फ्लैट की जानिब आ रही थी कि सामने फ्लैट वाला लड़का भी उसके हमकदम हुआ। कैसी हो? हेलो हाय करते साथ ही उसने उसके हाथ से शॉपर लिए। नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, वो तकल्लुफ से बोली। अरे यार, नेबर्स हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए, डोंट वरी। वो सहूलत से उसके मना करने के बावजूद उसके हाथ से दो शॉपर्स ले चुका था। कैसी रही तुम्हारी अपनी मम्मी से मुलाकात? वो उसी दिन का हवाला देने लगा। ठीक, अब वो क्या बताती, वो माँ से मिलने नहीं, फकत उनके घर में कुछ वक्त के लिए पनाह लेने जाती थी, वो भी अपने शौहर से। उस दिन तुम इतनी उजलत में थी, मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, वो उसके मुख्तसर जवाब को खातिर मिलाए बगैर अपनी हांकने लगा। मेरा नाम मायशा है, और आपका? वो भी इखलाकन उससे पूछने लगी। मेरा नाम तबरेज़ है, वो मज़े से अपना नाम बताने लगा। मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में होते हैं, मैं बहुत अरसे से दुबई था, फिर यहाँ आ गया ऑफिस के काम से। तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, कभी देखा नहीं उन्हें? वो दोनों सड़क के एक जानिब चल रहे थे। वो भी पढ़ते हैं और जॉब करते हैं, उसे फकत इतना ही पता था। पसंद की शादी है तुम्हारी? वो निचला लब दांतों में दबाकर होले से उसे कंधा मारते शरारत से बोला।
मायशा की आंखों में यकदम आंसू सिमट आए। होले से नफी में सर हिलाया। उसकी शरारत पर उसकी रंजीदा शक्ल देखकर वो ठिठका। अरे इतनी प्यारी हो, कैसा बंदा है जो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो उसकी खुले दिल से तारीफ करते हुए बोला। उसके हमदर्दी भरे अंदाज पर वो बे इख्तियार शॉप पर हाथ से नीचे रख कर वहीं खड़े रो पड़ी। तबरेज़ ने लब भींच कर उसे देखा, फिर उसका बाजू थाम कर किसी घर की सीढ़ियों की जानब बढ़ा। उसे वहां बिठाकर उसके सारे शॉपर उठाकर उसके पास ले आया, खुद भी वहीं सीढ़ियों में उसके करीब बैठ गया। कितने दिन से उसकी जवाब से बात नहीं हो सकी थी। उससे बात शेयर कर लेती थी, मिल लेती थी, तो उसे लगता था कोई उसका अपना भी इस दुनिया में है। इतने दिनों से उसे लग रहा था उसकी किसी को परवाह नहीं, वो तन्हा है। कल रात जुनेद ने उससे बदसलूकी करने की कोशिश की थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर कमरे में बंद हो गई थी। जेब और जवाद को फ़ोन किया, मगर शायद वो दोनों ही बेहद बिजी थे, इसीलिए किसी ने उसका फ़ोन अटेंड नहीं किया था। तबरेज़ के ज़रा से इल्तफात पर वो बिखर गई थी। ये उम्र ही ऐसी होती है कच्ची मोहब्बतों की, जहाँ बार बार किसी मोहब्बत करने वाले की ज़रूरत महसूस होती है। किसी ने दो लफ्ज़ हमदर्दी के बोले, उसे ही अपना सब मान लेती है। क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी, मुझे अपना दोस्त समझो, उसके हाथों पर हाथ रखे वो नरम लहजे में बोला। तुम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो नहीं, ज़बरदस्ती हुई है तुम्हारी शादी, वो चंद नताइज अखज करने लगा। मायशा ने आंसू साफ करके उसे देखा, जिसके चेहरे पर उसे इस वक्त बहुत ही हमदर्द तासुरात दिखाई दिए। वो आहिस्ता से सब बताती चली गई। कल रात भी उसने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। वो बहुत गंदी बातें करता है, मुझे घिन आती है उससे, वो फिर से रोने लगी। तो तुम डिवोर्स ले लो उससे, वो उसे हल बताने लगा। उससे डिवोर्स लेकर कहाँ जाऊँगी, और अगर ले लेती हूँ तो मम्मी की ज़िंदगी भी उनके शौहर तंग कर देंगे। मैं नहीं चाहती एक बार फिर वो मेरी वजह से किसी तकलीफ़ से गुजरे। वो उस औरत के लिए अभी भी सोच रही थी जिसने उसके लिए कभी नहीं सोचा था। कभी उसे पास बिठाकर नहीं पूछा था कि जुनेद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ। वो साइको है, उसे दौरे पड़ते हैं। कल रात पहली बार मैंने उसकी ये हालत देखी। वो तो शुक्र है जवाद भाई ने मुझे उसकी मेडिसिन का बताया था। बड़ी मुश्किल से उसे इंजेक्शन लगाकर मैं भागकर अपने कमरे में बंद हुई। तबरेज़ ने अब नोट किया था उसके चेहरे पर नाखूनों की खराशें थी। यकदम उसका हाथ उन खराशों की जानिब बढ़ा। होले से उसके ज़ख्म सहलाए, वो भी शायद किसी अपने की तलाश में थी। एक नज़र देखकर उसका हाथ ना हटाया। तुम बहुत बहादुर हो, उसके कंधे को थपथपाकर वो उसकी हिम्मत बंधाने लगा। जल्द अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करके उससे सेपरेशन ले लो, वो उसे एक और हल बताने लगा। सॉरी मैंने आपको भी परेशान कर दिया, उसे अब एहसास हुआ वो कब से उसके साथ बैठी हुई है। कोई बात नहीं, तुम्हें जब जब किसी अपने की ज़रूरत महसूस हो तुम मेरे पास आ सकती हो, वो मोहब्बत से उसे देखकर बोला। थैंक यू, वो उसकी मशकूर हुई। गुड गर्ल, और ये थैंक यू तब कहना जब मेरे फ्लैट पर आकर मेरी कुछ खातिर करोगी। अब मैं तो तुम्हारे फ्लैट पर नहीं आ सकता, कहीं तुम्हारा खड़ूस शौहर मेरी भी पिटाई न लगा दे, हंसते हुए खुद उठा, साथ ही उसका हाथ थाम कर उठाया। जिस दिन भी टाइम हो मेरे पास आ जाना, मिल के चाय या कॉफ़ी पियेंगे, तुम्हें पता है मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। तुम्हें क्या अच्छा सा बनाना आता है, उसके शॉपर उठाए वो फिर से उसके हम कदम होता, उसे बातों में लगा कर उसका मूड बहाल कर गया। वो भी मज़े से उससे बातें करने लगी, ऐसा लगा कोई बहुत अपना दोस्त मिल गया हो। अपने अपने फ्लैट्स तक पहुंचते दोनों अपने फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कर चुके थे। न जाने क्या हुआ, वो चाहने के बावजूद जवाद को तबरेज़ के बारे में बता नहीं सकी। वो ना सिर्फ एक खूबसूरत मर्द था बल्कि बेपनाह नर्म दिल का मालिक था। मायशा को अंदाज़ा ही न हुआ कब दोस्ती के रिश्ते से निकल कर वह उसे पसंद करने लगी। आजकल जवाद की गैर हाजिरी भी उसे परेशान नहीं करती थी। वो बहुत सा वक्त तबरेज़ के साथ गुजार लेती। जब जब वो अपने फ्लैट पर होता वह उसके पास चली जाती। जुनेद की अपनी मसरूफियात थीं, उसे गर्ज नहीं थी कि वो कहाँ और किसके पास जाती है। उस दिन भी शाम में ऑफिस से आते ही उसने मायशा को कॉल की। क्या कर रही हो,
वो अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी। उसके फाइनल्स होने वाले थे। वो देते ही उसका कॉलेज शुरू होने वाला था। टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, उसने सादे से लहजे में बताया। कर ली? वो कपड़े चेंज करके मिरर के सामने बाल बना रहा था। जी कर ली, वो हंसकर बोली। उसे उसके हर काम की फिक्र रहती थी। आ जाओ फिर जल्दी से, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। उसकी बात सुनते ही वो भी एक्साइटेड हुई। अभी आई। फोन बंद करके बुक्स रखी, शीशे के सामने जाकर अपने हुलिये को देखा। ब्लैक टाइट्स पर ब्लू चेक वाली शर्ट पहने, गले में स्काफ लिए, धुले धुलाए चेहरे के साथ भी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। पोनी खोलकर जल्दी जल्दी बालों में ब्रश किया। दो दिन पहले ही तबरेज़ के कहने पर उसने अपने लंबे सीधे बालों की कटिंग करवाई थी। तबरेज़ ने उसकी कटिंग की बेहद तारीफ की थी। वो बहुत खुश हुई। जल्दी से बालों को हाफ नॉट करके ऐसे ही खुले छोड़ दिया। लेदर की लॉन्ग जैकेट पहनकर, शूज़ पहने, फ्लैट को लॉक लगाकर वो उसके फ्लैट के सामने खड़ी थी। एक ही बेल के बाद दरवाज़ा खुल चुका था। वेलकम प्रिटी लेडी, तबरेज़ एक बाजू वाह किए मजाकिया से अंदाज में बोला। वो भी होले से मुस्कुराते अंदर दाखिल हुई। थैंक यू हैंडसम मैन, वो भी मुस्कुराहट दबा कर शरारत से बोली। उसके अंदाज पर दरवाज़ा बंद करते वो खुलकर मुस्कुराया। मेरी फ्रेंड तो अब नॉटी भी हो गई है, मस्नूई संजीदगी अपनाए उसे आंखें निकाली। उसके अंदाज पर वो खिलखिलाई। तबरेज़ ने नज़र भर कर उसे देखा। लड़की, एक तो तुम प्यारी बहुत हो और फिर हंसती बहुत अच्छा हो। ज़रा मुझ जैसे कमज़ोर दिल के बंदे के सामने इतना हंसने से परहेज़ किया करो। उसकी मायनी खेज बात पर मायशा के गाल शर्म से लाल हुए। क्या बना रही थे? उसके बात पर धड़कते दिल से वो मुड़कर किचन में चली गई। बेवकूफ़, उसके बर्जस्ता जवाब पर वो यकदम मुड़ी। क्या? हैरत से पूछा। कुछ नहीं, कॉफ़ी की चीज़ें निकाली ही थीं कि तुम आ गई। चलो शाबाश, अभी से फेंटो, मैं इतनी देर में ब्राउनीज का बैटर रेडी करता हूँ। वो तेज़ी से हाथ चलाते उसे भी काम पर लगाने लगा। दोनों इधर उधर की बातें करते काम करने लगे। एक बात पूछूं? वो निगाहें झुकाए सवालिया अंदाज में बोली। सो बातें पूछो डियर, वो ओवन में ब्राउनीज को रखते मसरूफ़ से अंदाज में बोला। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? वो झिझकते हुए बोली। उसकी बात पर वो होले से मुस्कुराया। कोई तुम जैसी प्यारी मिली ही नहीं। ओवन को हीट पर सेट करते वो उसकी जानिब आकर होले से झुक कर बोला। मजाक नहीं करें। वो आँखों में खुबकी लिए उसकी जानिब एक नज़र देख कर पास्ता निकालने लगी। उसके किचन की हर चीज़ का उसे इल्म हो चुका था। बेधड़क वो जो दिल करता इस्तेमाल करती। इस वक्त भी मशरूम पास्ता बना रही थी। अरे लड़की, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो लहजे में संजीदगी समय बोला। तबरेज़, सच सच बताएं, वो उसके हंसने पर झुंझलाई। यार, शादी बंदे को बाउंड कर देती है। अभी मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। अब सोचो ना, अगर जो मेरी बीवी होती तो क्या मैं तुमसे यूँ आसानी से दोस्ती कर सकता था? वो उसे पते की बात बताने लगा। क्यों, दोस्ती तो मोहब्बत से मुख्तलिफ होती है। दोस्ती तो हो ही सकती है ना, चाहे आप शादीशुदा हों भी। वो उसकी बात को झुटला कर बोली। और मोहब्बत, क्या शादीशुदा होकर मोहब्बत भी हो सकती है? वो उसकी बात पर गंभीर लहजे में सवाल करने लगा। मायशा का दिल ज़ोर से धड़का। पता नहीं, वो साफ दामन बचा गई। तबरेज़ होले से हंसा। वो चूल्हे की जानिब रुख मोड़ कर पास्ता बॉयल करने लगी। तबरेज़ उसके दाएं बाएं काउंटर पर हाथ जमा कर उसे मुकम्मल तौर पर अपने हसार में करते होले से उसकी जानिब झुका। क्या तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत नहीं हुई? उसकी बात पर मायशा की आंखों में नमी झिलमिलाई। क्या ऐसे शख्स से मुझे मोहब्बत होनी चाहिए? वो उल्टा उससे सवाल करने लगी। बहुत नाकदरा शख्स है वो, मोहब्बत से आहिस्ता से उसे खुद से लगाया। मायशा की सांस थम गई। वो ऐसा ही बेबाक था, मगर वो उसकी इस बेतकल्लुफी को कोई और रंग पहना गई। आप मेरे लिए कुछ लाए थे? जैसे ही उससे अलग हुई, धड़कते दिल को संभालते माहौल का फसूं ख़त्म करने की कोशिश की। एक तो तुम्हारी कंपनी सब भुला देती है, वो उसी बेतकल्लुफी से बोलता किचन से बाहर निकला। मायशा उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसके वजूद का लम्स अब भी उसके इर्द गिर्द मौजूद था। ये लो लड़की, क्या याद करोगी? किचन में वापस आते उसके हाथ में एक बॉक्स देखकर वह हैरान हुई।
और पूरी मेकअप किट थी। अब बड़ी हो गई हो, ज़रा सजाया संवारा करो खुद को। वो हैरत से ब्लश ऑन, लिपस्टिक्स और न जाने क्या क्या वो उसके लिए लाया था सब देख रही थी। मुझे तो इनका इस्तेमाल भी नहीं पता, वो मायूसी से उसे देखकर बोली। तबरेज़ ने माथे पर हाथ मारा। अब ये भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा, किस कदर निकम्मी दोस्त मिली है मुझे, वो अफसोस से कहने लगा। फिर बाकी का वक्त वो उसे मुख्तलिफ मेकअप की वीडियोज़ दिखाता रहा। क्या है ये, वो आज न जाने अपने वार्डरोब में क्या तलाश कर रहा था। अपने वार्डरोब में नहीं मिली तो वो रुशना की वार्डरोब में ढूंढने लगा। उजलत में चीज़ें इधर से उधर करते यकदम कोई चीज़ उसके पैरों के पास आकर गिरी। वो कोई एल्बम थी। कामरान ने जो ही वो एल्बम खोली अपनी बीवी की पहली मोहब्बत से आगाह हुआ। सारी एल्बम में सिर्फ उसकी और फरजाद की तस्वीर थी। अभी वो देख ही रहा था कि रुशना कमरे में आई। कुछ देर पहले ही वो क्लब से वापस आई थी। कमरे में आते ही कामरान को अपनी वार्डरोब के पास देखा। उसे अंदर आते देखकर वो एल्बम उसकी जानिब किए गुस्से से लाल चेहरे समेत उससे सवाल कर रहा था। पिक्चर्स हैं, लम्हा भर को उसके हाथ में अपनी और फरजाद की तस्वीरों की एल्बम देखकर उसके चेहरे का रंग बदला। मुझे भी नज़र आ रहा है, अंधा नहीं हूँ। अगर सिर्फ दोस्ती थी तो इस दोस्ती में और कोई क्यों नहीं नज़र आ रहा, वो सुर्ख गुस्से भरी आंखों से उसे देखते बोला। क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो बैग सोफे पर रख कर आराम से बोली। बेस्ट फ्रेंड या महबूब, उसकी बात पर वो तिल मिलाई। मैंने कभी पूछा तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, मुझ पर सवाल उठा रहे हो, पारसा तो तुम भी नहीं, अब तक कितनियों के साथ बिस्तर गर्म कर चुके हो, वो दूबदू बोली। बकवास मत करो, उसका हाथ उठते उठते रुक गया। मारो मुझे, मैं तो किसी मर्द की जानी मतवजह नहीं होती, तुम जैसे गलीज पर ही गुजारा कर चुकी हूँ। उसके अल्फाज उसे नश्तर बन कर लगे। अपनी हदूद में रहो वरना जबान काटनी मुझे अच्छी तरह आती है, उसके बाजू को गुस्से से गिरफ्त में लेकर वो आंखें निकालने लगा। इतने तुम पारसा, कल ही तुम उसके साथ थी, वो किसी लड़की को लेकर फरजाद के पास गई थी उसका ऑडिशन दिलवाने, किसी काम के सिलसिले में गई थी, तुम्हारी तरह वक्त गुजारने नहीं। अपना बाजू उसकी आहिनी गिरफ्त से छुड़वाते वो गुस्से से बोली, सब मालूम करवा लूँगा, देखो उसका करता क्या हूँ मैं। वो गुस्से से एल्बम वहीं फेंक कर निकल गया। रुशना ने सर झटका, मगर वह नहीं जानती थी कि उसके किए का भुगतान फरजाद को भुगतना पड़ेगा। आज की हमारी पहली कंटेस्टेंट स्टेज पर आकर अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी, तो प्लीज़ वेलकम करें अशी को, कंपेयरर उसे स्टेज पर आने की दावत देते खुद बैक स्टेज चला गया। वो आज की एपिसोड के लिए तैयार नहीं थी और आज की एलिमिनेशन के बाद सिर्फ टॉप 3 रह जाने थे। दिमाग में ढेरों सोचे लिए वो स्टेज पर खड़ी थी। म्यूज़िक शुरू होते ही उसकी आँखें बंद हो चुकी थीं। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया। उसकी आवाज़ में खुद बखुद नमी घुल आई थी। कितने ही दिनों से वो मुसलसल यासियत का शिकार थी और शायद यही तकलीफ उसकी आवाज़ में घुल गई थी। पहला नोट ही उठाते उसकी आवाज़ कपकपाई। फरजाद ने यकदम आंखें खोलकर उसे देखा। वो उसकी शिकस्त नहीं देखना चाहता था। आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया। ये गाना किसकी सिलेक्शन था, फरजाद ने जानिता की जानिब मुड़कर पूछा। मायशा ने खुद ही कहा था कि मुझे यही गाना है, उसकी बात पर फरजाद ने लब भींचे। उसके सुर मुसलसल बिखर रहे थे। तुमसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तंगी ये वक्त मुलाकात ने रोने ना दिया। वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया। वो बमुश्किल गाना ख़त्म करके वहीं स्टेज पर हाथों में चेहरा गिराए रो पड़ी। पूरे हॉल में सकूत तारी था। जानिता यकदम कुर्सी से उठकर भागती हुई उसके पास गई। कंपेयरर भी आ गया, लाइव शो जा रहा था, उन्हें सब संभालना था। फरजाद मुट्ठी होठों पर जमाए कोहनी सीट की हत्थी पर रखे साकित सा उसे देख रहा था। वो इतनी कमज़ोर क्यों थी, उसे शदीद गुस्सा आ रहा था उस वक्त मायशा पर। क्या हुआ है बच्चे, जानिता मोहब्बत से उसका चेहरा हाथों में थाम गई। आई एम सॉरी, वो बस रोते रोते उससे सॉरी कर रही थी।
देखिए नाजरीन, हम जानते हैं इस वक्त उन सब कंटेस्टेंट्स पर बेहद प्रेशर है, मगर आप सब जानते हैं ये कितने मेहनती गुलकार हैं। बस प्रेशर की वजह से मायशा शायद घबरा गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। कंपेयरर ने बड़ी मुश्किल से सिचुएशन हैंडल की। चनीता ने उसे पानी पिलाया। ठीक हो अब? वो भी इतनी अच्छी आवाज़ की मालिक को यूं हारते नहीं देख सकती थी। उसने सर असबात में हिलाया। जी जजिस, आप क्या कहेंगे? जैसे ही सूरत हाल काबू में आई, कंपेयरर का रुख जजिस की जानिब हुआ। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि मायशा अपनी खूबसूरत आवाज़ और अनोखे अंदाज की वजह से बेहद अच्छी सिंगर हैं, लेकिन आज उनके सुर बहुत बिखरे हैं, यह हम सब जानते हैं। जैक ने एक मायूस नज़र मायशा की जानिब डाली। खैर, अभी बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, देखते हैं क्या होता है। आज पहली बार वो सब उससे इस कदर मायूस हुए थे। जी सर, अब उसका रुख फरजाद की जानिब हुआ। स्टेज पर गुलूकारी बच्चों का खेल नहीं होता। यहाँ खड़े होकर सिर्फ एंटरटेन करना मकसद नहीं है, बल्कि इस स्टेज का प्रेशर लेना असल बात है। आप जानती हो, जब आप लाइव शोज में गाते हैं तो बहुत बार आप पर बहुत बुरे रिमार्क्स भी कसे जाते हैं। उस प्रेशर को ऑन करना ही असल सिंगर की निशानी है। अगर आप समझती थीं कि आप इस गाने में अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकती, तो ऐसा गाना इस स्टेज पर आकर सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। सिंगर जब स्टेज पर आता है तो वो अपने घर के मामलात, अपनी परेशानियां सब एक जानिब रखकर सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने आता है। वहां खड़े होकर रोना उसे सिवाय तमाशा बनाने के और कुछ नहीं देता। वो पहली बार यूं किसी की क्लास ले रहा था। मेरी तरफ से आ चुकी आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हमारी उम्मीदें आपको लेकर यहाँ थी। उसने हाथ को अपने सर से ऊंचा रखा, जिसे आज आपने एक गलत गाने का सिलेक्शन करके यहाँ पहुँचा दिया। उसने वही हाथ अपनी सीट से नीचे किया। मायशा ने लब भींचे, नज़रें झुकाईं। मैं भी बहुत मायूस हुई हूँ, लेकिन खैर ये स्टेज आखिरी स्टेज नहीं है, आगे बहुत से रास्ते हैं तुम्हारे लिए। जानिता ने उसकी हिम्मत बंधाई और फिर वही हुआ। वो उसकी आखिरी परफॉर्मेंस थी। सब जजेस ने उसे 2, 3 और 4 मार्क्स दिए। रिजल्ट सुनकर वो नहीं रोई। वो जानती थी आज उसका यहाँ आखिरी दिन है, मगर फरजाद की बातें उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। आज बहुत दिनों बाद जवाद उससे मिलने आया था। शाम की चाय दोनों ने इकट्ठे पी। किस कॉलेज में एडमिशन लेना है? उसका रिजल्ट आ गया था। वो इसी खुशी को सेलिब्रेट करने उसके पास आया था। आप बताएं, वो उससे पूछने लगी। वो चंद एक फॉर्म भी ले आया था। ये देख लो, फिर फॉर्म फिल करते हैं, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। उसके सामने चंद फॉर्म्स रखते वो उसके कमरे में मौजूद वॉशरूम में गया। वॉशरूम से बाहर निकलकर उसकी नज़र मायशा की ड्रेसिंग पर गई, जहाँ मेकअप की चीज़ों का ढेर लगा था। वो हैरान हुआ, तौलिए से हाथ खुश करते बाहर आया। इतना सारा मेकअप तुमने कब लिया? वो ज़्यादातर शॉपिंग उसी के साथ करती थी, इसीलिए उसका हैरान होना बनता था। उसकी बात पर वो गड़बड़ाई। वो ये स्कूल की फ्रेंड है मेरी, यहाँ करीबी रहती है, उसे कुछ चीज़ें लेनी थी, बस उसी के साथ गई थी। मैंने तो कम ली हैं, उसी ने दिलवा दी, वो बात बना कर बोली। ऐसे किसी से चीज़ें नहीं लेते मायश, कुछ चाहिए हुआ करे, मुझे कहाँ करो। आइंदा कोई भी फ्रेंड कुछ दे तुमने नहीं लेना, और ना यूँ हर एक पर भरोसा कर लिया करो। वो उसे सरजनिश करने लगा। सब वैसे नहीं होते जैसे हम किसी के साथ नियत रख कर मिलते हैं। उसके करीब बैठकर उसके सर को मोहब्बत से थपथपाया, एक फॉर्म उठाया। मायशा ने चोर नज़रों से उसे देखा। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ द एपिसोड 2 ऑफ नॉवल जलते ख्वाब। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा अनेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी।